दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज काफी लोगों ने एक कमेंट किया कि हमें गुरुवार के उपाय बताएं, साईं बाबा के पूजा उनके उपाय को या हमें बताएं, कोई ऐसा रास्ता बताएं कि साईं बाबा की पूजा के थ्रू हमारा भला हो जाए। तो आज दोस्तों आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये मेरे अपने अनुभव का है। अच्छा है कि आप लोगों ने मुझे याद दिलाया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शायद आपके भी काम निकल जाएं। दोस्तों, साईं बाबा का संबंध गुरुवार के दिन से है, गुरु से है। साईं बाबा के अंदर दोस्तों भगवान श्रीहरि की शक्ति भी है और माना जाता है भगवान शिव की शक्ति भी है और भगवान दत्तात्रेय, ये भगवान दत्तात्रेय का रूप भी माने जाते हैं। साईं बाबा दोस्तों, हर धर्म के लोग साईं बाबा को मानते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आपका कोई भी काम दोस्तों नहीं हो रहा हो, आप साईं बाबा के मंदिर में जाकर के सिर्फ उनके दर्शन करने की आप प्रॉमिस कर दें, एक बाधा मान लें कि मैं 5 गुरुवार साईं बाबा मंदिर में नंगे पैर दर्शन करने के लिए आऊंगी या आऊंगा, आपका काम दोस्तों बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। और दोस्तों, एक छोटा सा ये उपाय है लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है और आप इसको ट्राई करके देख लेना, आप इसको ट्राई करना। ये आपको शायद लिटररी कहीं मिले ना मिले, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय है। आपने सुना होगा दोस्तों गुलर के पेड़ के बारे में। गुलर का पेड़ दिव्य शक्तियों से भरा हुआ पेड़ है, काफ़ी शक्तियाँ इसके अंदर वास करती हैं, भगवान नरसिंह का भी इसमें वास है। अभी आप जाएंगे गांव साइड, जो जिन लोगों को पता है, वे लोग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अर्थी को गुलर के पेड़ के नीचे से नहीं निकालते हैं, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वो गुलर का पेड़ अपने में खींच लेता है। भगवान नरसिंह ने गुलर के पेड़ को आशीर्वाद दिया है कि आप हमेशा पूजे जाओगे और जो भी आपकी दियाबत्ती करता है, पूजा पाठ करता है, उसका हमेशा भला होगा। और दोस्तों, काफ़ी इस पेड़ के पीछे काफ़ी और भी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बाद में बताऊँगी किसी और वीडियो में। वैसे इसका जो फूल है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है मैं कितना बताऊँ, बहुत इस पेड़ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। इस पेड़ के फूल को दोस्तों किसी ने नहीं देखा और कहते हैं जिन लोगों ने इस पेड़ के फूल को देख लिया है वो बताने लायक नहीं बचा। इस पेड़ के फूल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शन हो जाते हैं और गजब की लाइट होती है जब पहला पुष्प खिलता है, उसके बाद ही इसमें फल आते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो फल के ऊपर छोटे छोटे से जो ऐसे फूल जैसे बने होते हैं वही इसके फूल होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको लिख करके देती हूँ, इसका फूल बहुत रहस्यमय फूल है, बहुत ताकतवर चीज़ है और इसके दर्शन करना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको इसका एक पत्ता, मतलब कि यदि आपका कोई भी काम है जो काफ़ी समय से रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो आप गुरुवार के दिन इस पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ दिया बत्ती करें और एक पत्ता, गुलर का एक पत्ता ले लें, हरा भरा बढ़िया पत्ता लें जो टूटा फूटा ना हो, बराबर। और उस पत्ते पर दोस्तों आप अपनी इच्छा लिख दें, सिंदूर से लिखें या हल्दी से लिखें। और दोस्तों 108 बार या फिर 51 बार आप इस पर ओम शाई लिख दें। पत्ते की सीधी साइड जो बिल्कुल चिकनी साइड होती है उसमें आप ये लिखें ओम शाई और अपनी इच्छा। और दोस्तों इस पत्ते के ऊपर पीले रंग के पेड़े, 3 पेड़े आप रख दें, छोटे छोटे से पेड़े जो आप देखेंगे साईं बाबा मंदिर के बाहर बिकते होते हैं, छोटे छोटे से 3 पेड़े आप इस पत्ते के ऊपर रखें और इस पत्ते को आप ले जाएं और साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा को अर्पित कर दें। ऐसा दोस्तों आप 3 गुरुवार करके देखें, रिजल्ट मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद देखेंगे साईं बाबा का चमत्कार कि कितनी जल्दी साईं बाबा आपकी बात मानते हैं, कितनी जल्दी
आपका कहना हो जाता है, आपका काम हो जाता है। इस पत्ते पर 3 पेड़े रख करके आप उन्हें अर्पित करें और फिर देखें चमत्कार। बहुत बढ़िया अनुभव होगा आपको। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।